शुरू करते हैं मरवे, क्या कहना चाहेंगे आज इंट्रोडक्शन? वही तो मैं बोल रहा हूँ, मुझे अपना नेम ना, अरे इतनी जल्दी मुझे कहाँ नाम से होगा, मुझे फिर आप ही स्टार्ट कर दो, फिर सब लोग अपना अपना नाम बताइए, वो बेस्ट है। चलो मरवे जी, क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर आए हुए क्रिकेट और ये डिजाइबल लोगों के लिए? जी यही बोलेगा साथ में, आप बंद करा, बंद करो। ओके रोल है तो कहाँ से स्टार्ट करूँ? स्टार्ट करता हूँ नेबडा फुटमेंट ऑर्गेनाइजेशन से, फाउंडेशन से, जो ये काम कर रहे हैं, इनको कॉन्ग्रेचुलेशन करूँगा, इनको बधाई दूंगा कि ये लोग इस लेवल पे इन लोगों को लेके आए हैं। और फिर अगर हम उन लोगों की तरफ देखें तो इनकी जो स्पिरिट है उसको मेरा सल्यूट है। ये लोग दिखा रहे हैं कि जिंदगी कैसे जी जाती है, कि गेम नहीं खेल रहे हैं, अगर ये हार भी है जीत भी है, या वो बांग्लादेश है या इंडिया है, बट ये लोग दिखा रहे हैं उन लोगों को जो जिनके पास सब कुछ है बट वो हिम्मत हार के अपनी ज़िंदगी खो देते हैं। ये एक गेम हो रहा है बट आप इसे बाहर से बैठ के देखो तो लिटरली ये एक मोटिवेशन है हम सब लोगों के लिए। ये इनको पता है कि ऐसे कितने सारे लोग हैं जिनके पास एक हाथ नहीं, पैर नहीं, थोड़े डिसेबल है, बट उनमें देखें तो कुछ ना कुछ ऐसा हुनर होता ही होता है कि वो अच्छे अच्छे एबल लोगों को पीछे छोड़ देते हैं। ठीक है, अब ये है इन लोगों की बात। और थैंक्स करूँगा सर को, जो नेबडा फुटमैन फाउंडेशन की तरफ से जिन्होंने ये एक इनिशिएटिव लिया है कि वो आज इन लोगों को यहाँ लेके आए हैं, बांग्लादेश टीम को इन्वाइट किया है, वो यहाँ पे अपनी परफॉर्मेंस के साथ ये दिखा पाए हैं। ये सिर्फ मुंबई में होना या कहीं और होना, कल को हो सकता है कि और अच्छे लेवल पे जाएं, और भी टीमें आएं। और जब हम लोग देखते हैं ना अपनी क्रिकेट की टीम की तरफ तो क्या होता है, हमारे यहाँ ना ये क्रिकेट को एक धर्म की तरह पूजा जाता है, बट ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग खेल रहे हैं एक नेशनल लेवल पर। बट बोलूँगा अगर ये चीज़ें वहाँ तक पहुँचती है, सबसे रिचेस्ट बोर्ड में से आता है BCCI, और इंडिया में इतना पैसा है, जो लोग 16-17 करोड़ के प्लेयर खरीद रहे हैं, अगर वो 1 करोड़ भी इन लोगों की तरफ देख के लगा दें, और वो लोग जिनके हाथ पैर और सब कुछ है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उनके लिए मत करो, बट करो, बट द रीज़न इज कि आप IPL का एक प्लेयर के लिए 15-16 करोड़ रुपये लगा सकते हो, बट आप ब्लाइंड क्रिकेट हमारी इतनी अच्छी खेल रही है पास कुछ ईयर से, हमारी विमेन क्रिकेट इतनी अच्छी खेल रही है पास कुछ ईयर से, हमारी हॉकी की टीम इतनी अच्छी खेल रही है, हमारी कबड्डी इतनी अच्छी चल रही है, बट क्रिकेट को छोड़ के और किसी पे फोकस ही नहीं है। और अगर क्रिकेट पे ही फोकस है तो किस पर? जो कि अपना दम दिखा रहे हैं, जो दिख रहे हैं वो बिक रहे हैं। बट अगर आप देखो ब्लाइंड क्रिकेट को तो हर बार हम वर्ल्ड कप जीत रहे हैं, हर बार हम वर्ल्ड कप। मैं मिस कर गया था, बिजी था अपने शेड्यूल में कि दिल्ली में नहीं जा पाया, उन लोगों के लिए उनका स्वागत हुआ था, मैं नहीं पहुंच पाया, बट यहाँ मैं एक कॉल से आया हूँ, मुझे एक कॉल आई और मैं यहाँ पे आया हूँ ये एक सोशल इनिशिएटिव के लिए। और आप लोगों से बोलूंगा जितना हो सके इस चीज़ को फैलाओ, ये लोग हमें दिखा रहे हैं कि जिंदगी कैसे जीते। और कोई क्वेश्चन? निजी जीवन में भी आपने कभी क्रिकेट खेला और कितना एंजॉय करते हैं, क्या कुछ? या मैं अगर बोलूँ ना कि अपने डैड के बाद अगर मुझे किसी से प्यार है तो वो क्रिकेट से है। मैं खेला हूँ, टूटा हूँ, गिरा हूँ, पिटा हूँ, मैंने सारा क्रिकेट खेला है, ना मैं देखना छोड़ता हूँ ना मैं खेलना छोड़ता हूँ, ये तो हो गया क्रिकेट का लव। बट ये कुछ स्पेशल ही है यार, ये मैं अगर बोलूँ तो मैं भी नहीं खेल पाऊँगा जो ये लोग कर रहे हैं, तो क्रिकेट तो मेरा लव है ही, देखना खेलना, और अब उन लोगों को देख के तो लग रहा है कि सच्ची में क्रिकेट में जान तो है। सर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ सर, जैसे मेरे भाई ने बोला, उसके बोलना जो है वो उसके आगे मैं बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि जो जितना मुझे बोलना था मेरी सारी दिल की बात ऑलरेडी इनके तरफ से आ गया है। बस मेरा यही कहना है कि क्रिकेट जो तरीके से खेल रहे हैं उसको बढ़ावा होना चाहिए, और जो अपने सरकार है इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए और इसको आगे बढ़ाना चाहिए। लोग आ रहे हैं सामने, लोग कर रहे हैं, बहुत से टीवी एक्टर्स हैं, बहुत से बिजनेसमैन हैं जो आ गए हैं, जिन्होंने फुटबॉल को बढ़ावा देना स्टार्ट किया, अच्छी बात है, कबड्डी को देना किया, अच्छी बात है, लीग्स हो रही हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, बट इन लोगों की तरफ भी देखो, क्योंकि ये लोग उन लोगों से बहुत डिफरेंट है। आज अगर हम लोग इसको फाउंडेशन करके, आज अगर फुटमैन फाउंडेशन ये कर रहा है तो ये इसलिए नहीं कर रहा है इनको कुछ कमाना है इससे, ये इसलिए कर रहा है कि कम से कम लोगों को एक पहलू और दिखे कि ये लोग जो अपनी लाइफ से अलग लड़ रहे हैं वो अपने इंजॉय के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, ये सोचो ये हम लोगों को जिंदा रखने के लिए खेल रहे हैं। दूसरी चीज़, मैंने जैसे BCCI के लिए बोला, अभी आई एम नॉट अ दैट बिग नेम, मुझे महादेव की कृपा से इतना मिला है कि मैं यहाँ इन्वाइटेड हुआ हूँ और इन लोगों को देख रहा हूँ, आगे आने वाले टाइम में ऊपर वाले की कृपा ऐसी होगी मैं इनको फाइनेंशियली भी कर पाऊँ, और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आने वाले टाइम में जब भी आपको मेरी जरूरत पड़े या जब भी जैसा भी मिले मैं जुड़ा रहूँगा इनसे। और ये मैं गवर्नमेंट की तरफ भी देख के बोलूँ तो इन सब के पास एक एक जॉब होनी चाहिए, इनकी लाइफ सिक्योर होनी चाहिए, इनके परिवार बिल्कुल सिक्योर होने चाहिए, क्योंकि ये लोग वो मेहनत कर रहे हैं, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो हम लोग भी हिम्मत हार के छोड़ देते हैं। तो हैट्स ऑफ टू देम एंड एंजॉय करो मैच।
इनको मोटिवेट करो, इनसे मोटिवेट हो। लखानी साहब आप बहुत बड़े बड़े लोगों को, छोटे छोटे लोगों को बहुत अपने हिसाब से हेल्प करते हैं, तो ये क्रिकेट लोगों को किस तरह हेल्प करेंगे आप? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने पूरा वर्ल्ड घुमा हूँ, हर क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी सब खेल देखा है, लेकिन आज कुछ नया देखने को मिला है। और डिसेबल लोग, हैंडीकेप लोग, और ये लोग जो इतना उनका जो जज्बा है, उनका जो जुनून है, उनके पास जो ताकत है, ये देख के मुझे भी लगा कि यार हम भी इनके सामने कुछ नहीं है। जो इनके पास पावर है, जो इनका विल पावर है, मतलब सैल्यूट है, और इनको मतलब जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और ये जो कर रहे हैं उसके लिए शब्द ही कम पड़ेंगे, मतलब बहुत यूनिक, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। और गवर्नमेंट को और कॉरपोरेट को और स्टार्स को और सबको मिलके इनके लिए कुछ भी चैरिटी मैच, फंड रेजिंग या कुछ भी करना चाहिए। और ये मतलब बहुत ही तारीफ है काबिल है। आपका कितना सहयोग रहेगा ये टीम से? ये जितने भी इनकी पब्लिसिटी का है जो है काम, वो ब्राइट आउटडोर पूरा होर्डिंग्स प्लस इनको जो भी मदद लगी है मेरे ओर से जो होएगा वो पॉसिबिलिटी में बेस्ट बेस्ट करेगा, और इनको एक चीज़ को लोगों तक पहुँचाएगा और फेमस करेगा। सेक्रेटरी हूँ डिसेबल स्पोर्टिंग सोसाइटी का, और जो ये क्रिकेट आप देख रहे हैं, 2007 में एक छोटी सी शुरुआत मैंने एक बंद कमरे से शुरू करी थी, आज ये इतना बड़ा रूप ले जाएगी मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। एक छोटी सी जो शुरुआत थी, धीरे धीरे करके आज कहाँ से कहाँ पहुँच गई, और देखते ही देखते हमने 22वां अंतर्राष्ट्रीय आयोजन यहाँ पर हम खेल रहे हैं। इससे पहले टीम पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका के अलावा मलेशिया, थाईलैंड और सिंगापुर भी जा चुकी है। अभी 19 मई को फिर सिंगापुर जा रही है ये 3 मैचेस खेलने के लिए। तो मैं शुक्रगुजार हूँ भाई नेवला जी का कि आपकी मदद से हमको बॉम्बे में, जो मेरा एक ड्रीम था कि बॉम्बे में भी कभी हमारे को इन खिलाड़ियों को दिखाने का अवसर मिले, और उम्मीद से कहीं ज़्यादा हमको प्यार मिला है बम्बई में। और मैं शुक्रगुजार हूँ भाई का कि इतने बढ़िया शब्दों में खिलाड़ियों के लिए बहुत सारी बातें कह दी जो हम लोग गुजर है उनका नाम आप लेना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल ले सकता हूँ, रणवीर साहब। तो लेकिन बॉस देखा था आपने उसमें वो, अरे वो सब नहीं था। इत्तेफाक वाली बात है, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इस क्रिकेट ने 24 घंटे मेरे इस तरह से ले रखे हैं, मेरे को किसी भी चीज़ को देखने का एक मिनट का वक्त नहीं मिलता है। जो सर कर रहे हैं ना, ना केवल ये टीम बल्कि स्टैंडिंग टीम भी डिसेबल स्पोर्टिंग सोसाइटी ऑपरेट करती है, और अभी वुमेन्स टीम भी लॉन्चिंग कर दी हम लोगों ने। बिल्कुल बढ़िया, प्रॉपर विधिवत बोर्ड चल रहे हैं। मैं आपको एक और इस मंच के माध्यम से बताना चाहूँगा कि BCCI को लोढ़ा समिति ने कहा है कि डिसेबल क्रिकेट को अपने साथ ले, लेकिन क्योंकि आपने देखा ना कि कोई काम करने वाले होते तो रास्ते में पत्थर डालने में बहुत सारे लोग होते हैं, तो हम लोगों ने हाई कोर्ट में एक रिट दायर करी हुई है इस बात के लिए कि आप हमारा पूरा एनालिसिस कीजिए और हमको प्रॉपर ढंग से डिक्लेयर कीजिए कि हम जेन्युइन इंडियन क्रिकेट टीम है। जी मनवीर जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ जो सर कर रहे हैं ना, इनको किसी को देखने की जरूरत नहीं है, एक दिन सर को सब जानेंगे, सर को सब देखेंगे। उन लोगों के लिए करना जो अपने लिए लड़ रहे हैं वो बहुत बड़ी बात है, हम जैसे तो आएंगे जाएंगे, लेकिन भाई, जो आप कर रहे हो बस आप लोगों दिख रहा है, आप लोगों का प्यार मिलता है, दिखा दो आप कैमरा सब दिखे, बस वही हमारा जोश बढ़ जाता है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। हाँ, एक घोषणा यहाँ पर करी गई है भाई नेवला पुटमल साहब ने कि व्हीलचेयर क्रिकेट का एशिया कप यहाँ पर बहुत जल्दी खेला जाएगा, जिसमें अभी तक पूरे वर्ल्ड में 4 ही टीमें हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और इंडिया, ये 4 टीमें उसमें पार्टिसिपेट करेंगी। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।